हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या माइग्रेट कर पाएंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, देखेंगे सभी इस वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो को जरा भी स्किप ना किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते क्या इसका प्रोसेस है। इससे पहले वाले वीडियो पे बताया गया था फ्रेंड, किस तरह से आप ऑनलाइन के माध्यम से नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप ऑनलाइन के माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सभी बातें बताया गया था उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेंड, अब आज जानेंगे किस तरह से आप माइग्रेट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं मेन टॉपिक पे। NVSP पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। लेफ्ट साइड में आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। आपको सेकंड ऑप्शन माइग्रेट टू अदर प्लेस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज एक ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हो, सेल्फ और फैमिली। अगर आपने फ्रेंड आपका ईपिक नंबर देके, खुद का ईपिक नंबर देके आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, या फिर आप आपके फैमिली का किसी का माइग्रेट कर रहे हो तो आपको फैमिली वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देने के बाद आपके सामने एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर एंटर ईपिक नंबर लिखा हुआ है। आप जिसका भी माइग्रेट करना चाहते हो आपको उसका ईपिक नंबर इधर लिख देना है। ईपिक नंबर लिख देने के बाद आपको नीचे दो और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक में लिखा हुआ है माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूसी और दूसरे में लिखा हुआ है माइग्रेशन विद इन योर कॉन्स्टिट्यूसी। आप जिसका वोटर आईडी कार्ड माइग्रेट कर रहे हो वो अगर दूसरे किसी विधानसभा क्षेत्र से आता है तो आपको आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूसी वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। अगर आप जिसका वोटर आईडी कार्ड माइग्रेट कर रहे हो वो अगर आपका सेम कॉन्स्टिट्यूसी में आता है तो आपको विद इन योर कॉन्स्टिट्यूसी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। आप ऊपर सिलेक्ट लैंग्वेज के जगह सिलेक्ट करके आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देख पाएंगे लिखा हुआ है फॉर्म 8A। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट और कॉन्स्टिट्यूसी लिखा रहता है। आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट को जगह आपको आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होता है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूसी सिलेक्ट कर लेने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देख पाएंगे लिखा हुआ है पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपका नाम, आपका वोटर आईडी कार्ड का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और ईपिक नंबर, ये तीनों पहले से ही लिखा रहता है। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है फैमिली ईपिक। आप अगर शादीशुदा लड़की का वोटर आईडी कार्ड माइग्रेट कर रहे हो तो फैमिली ईपिक नंबर के जगह उसका हस्बैंड का आपको ईपिक नंबर उधर लिख देना होता है। फैमिली पिक नंबर लिख देने के बाद आपको नीचे और दो ऑप्शन मिल जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का। ये दोनों ऑप्शन आपको फिल कर देना है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, ये दोनों ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर के नीचे ब्लू लाइन पर लिखा है करेंट एड्रेस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप जिसका वोटर आईडी कार्ड माइग्रेट कर रहे हो अभी जिस एड्रेस में आप ले जाना चाहते हो आपको उसी एड्रेस को इधर फिल करना होता है, जैसे कि उसका घर का नंबर, उसका विलेज, उसका पोस्ट ऑफिस और उसका पिन नंबर और डिस्ट्रिक्ट, ये सभी आपको फिल कर देना है। एड्रेस फिल करते समय आपको अंग्रेजी और आपका लोकल लैंग्वेज दोनों में ही आपको लिखना होता है। इसलिए आपका अगर लोकल लैंग्वेज गलत रहता है तो आप गूगल ट्रांसलेट टूल यूज़ करके आप अपना लोकल लैंग्वेज को सही कर सकते हो। एड्रेस पूरा अच्छी तरह से फिल कर देने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो देख पाओगे लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर आपको योर फोटोग्राफ की जगह आपको आपका एक फोटोकॉपी अपलोड कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा। उस डॉक्यूमेंट को एड्रेस प्रूफ की जगह आपको डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देख पाएंगे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको प्लेस वाला एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑटोमेटिकली फिल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा नीचे मिलेगा उसको सामने वाले एक बॉक्स में फिल कर देने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपका पेज प्रोसेस में होगा। आपको ये वाले पेज को कट या रिफ्रेश नहीं करना है, आपको समय लेगा बट वेट करना है। आप इस पेज को कट या रिफ्रेश मत कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। आपको इसको किसी एक पेपर में लिख देना है या नोट करके रख देना है। ये रेफरेंस नंबर देख के आप अपना वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।